प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा आठवीं विज्ञान अध्याय 11 बल तथा दाब के प्रश्नोत्तर बता रहा हूँ मैं। और इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। प्रश्न नंबर 1 है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए। ये उदाहरण है, पहला है फुटबॉल के खिलाड़ी का फुटबॉल पर प्रहार, इससे वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, वो विराम अवस्था से गति की अवस्था में आ जाता है। नंबर 2 हो वॉलीबॉल के खिलाड़ी का वॉलीबॉल पर प्रहार, इससे भी वॉलीबॉल जो है वो गति में आ जाता है। अब जैसे धक्का, ये धक्का है वो खिंचाव के द्वारा, खिंचाव के द्वारा क्या होगा, यदि हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो विराम अवस्था में रहता है, तो उसके बाद में क्या करने लग जाता है, वो कंपन करने लग जाता है। इसी भी प्रकार किसी भी स्प्रिंग या रबर है, वो रबर को भी यदि अपने स्थान से उसको पकड़ के खींचेंगे तो वो भी क्या करेगा, कंपन करने लग जाएगा, मतलब वो विराम अवस्था से गति की अवस्था में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। ये उदाहरण है, बिस्तर पर बैठने पर बिस्तर की आकृति में परिवर्तन हो जाता है, मतलब क्या करना है कि बल लगाने पर वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो हम जैसे हमारे पलंग पे जो बिस्तर रहता है, बेड रहता है, गादी रहती है, उसके ऊपर बैठते हैं तो वो दब जाती है, मतलब आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तकिए को यदि हाथ से दबाएं तो तकिया दब जाता है, कुर्सी पे बैठे हैं तो वो भी क्या हो जाएगी, दब जाएगी, कुर्सी की जो गादी है वो दब जाएगी। तो यहाँ पर जैसे साइकिल की सीट है तो साइकिल की सीट पे बैठेंगे तो वो दब जाएगी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। ख, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। ग, सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उसको धक्का देना पड़ता है। सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उसको धक्का देना पड़ता है, तो ट्राली को सीधे धक्का नहीं देते हम, ट्राली को क्या करते हैं, ट्रैक्टर की सहायता से बल लगाकर आगे की ओर खींचते हैं। घ, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, समान ध्रुव जो रहते हैं उनको प्रतिकर्षित करेगा, और असमान ध्रुव जैसे एक उत्तर ने एक दक्षिण है तो उसको वो आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा प्रतिकर्षित, उत्तर ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा, उत्तर दक्षिण को या दक्षिण उत्तर को आकर्षित करेगा, यदि दोनों दक्षिण होंगे तो भी प्रतिकर्षित करेगा। प्रश्न नंबर 4, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण। क है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है, आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ख, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है। ग, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल का उदाहरण है। ग, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। क,
रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना, ये है पेशी बल। ख, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना, तो ये भी पेशी बल का उदाहरण है। ग, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार, ये इस प्रकार से दीवार में लटका हुआ ये भार, ये है कमानी समझ लो, और ये अपन इसको लटका रहे, ये भार है। तो यहाँ पर क्या बल कौन सा लगेगा, देखो भार का मतलब होता है बल, या भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, ये द्रव्यमान है m, गुरुत्वीय त्वरण किसका है, पृथ्वी के द्वारा जो इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, तो इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर बल कौन सा लगा, गुरुत्व बल लगा, ये g के कारण तभी वो भार हुआ, नहीं तो ये क्या रहता, द्रव्यमान रहता है। घ, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ बाधा को पार करना, तो देखो ये बाधा समझ लो कि इसको वो पार करेगा, और जो खिलाड़ी जो है वो यहाँ से दौड़ना प्रारंभ कर रहा है, चलो जब दौड़ता है तो उसमें क्या होता है, उसमें गति जुड़ आ जाती है, व्यक्ति जो धावक रहता है दौड़ने वाला खिलाड़ी, उसमें गति जुड़ आ जाती है, वो गति जुड़ आ जाती है, और एक समय पर वो रुकता है थोड़ी देर के लिए, तो उस समय गति जुड़ता किस में बदलती है, स्थिति जुड़ में बदलती है, जिसके द्वारा क्या होता है, बल लगता है, और बल किस में बदलता है, कार्य में, और कार्य होता है तो वो इसको ऊंचाई को पार कर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बल कौन सा लग रहा है, गति ऊर्जा का स्थिति ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, फिर उसके द्वारा बल लग रहा है, तो यहाँ बल जो रहेगा वो पेशीय बल रहेगा, क्यों, गति ऊर्जा भी कैसे आई, पेशी से आई, दौड़ने से आई है, तो यहाँ पर पेशी बल है, और इस प्रकार और ऊर्जा का रूपांतरण होकर वो व्यक्ति धावक जो है वो इसको ऊंचाई को पार करता है। प्रश्न नंबर 6, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, पीटने के कारण लगने वाले बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो देखो ये लोहे का गर्म टुकड़ा है और ये हथौड़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हथौड़ा इसको मारेंगे तो इसकी आकृति में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और हम यही चाहते हैं, क्योंकि एक मोटा टुकड़ा है उसको अगर पतली चादरों में या कोई औजार के रूप में अगर ढालना है, तो हम उसको गर्म को क्या करेंगे, हथौड़े से पीटते हैं, गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि वो नरम हो जाता है, ऐसे साधारण अवस्था में ठंडे लोहे को हथौड़े से पीटकर किसी अन्य आकृति में नहीं डाला जा सकता, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोहे के टुकड़े से इसको पीटेंगे तो इसकी आकृति में परिवर्तन आ जाएगा, और लगने वाला बल कौन सा है, पेशीय बल है, और एक तरह का ये संपर्क बल है। प्रश्न नंबर 7, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया, यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है, दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए, तो देखो ये गुब्बारा है, फुला हुआ गुब्बारा, और ये संश्लिष्ट कपड़े का टुकड़ा है, 30 टुकड़े से जब गुब्बारे को इसकी सतह को रगड़ते हैं, तो मान लो ये सतह को रगड़ा, तो अब ये सतह को रगड़ा तो यही सतह अपनों को दीवार से लगाना है, तो ये इससे अपनों ने इसको ये साइड रगड़ दी, अब इस गुब्बारे को क्या कर रहे हैं अपन, ये दीवार जो है ये दीवार से इसको सटा रहे हैं, तो यहाँ पर ये चिपक जाता है, तो इसके बीच में बल कौन सा लगता है, स्थिर विद्युत बल लगता है, क्योंकि कपड़े के द्वारा जब गुब्बारे को रगड़ा जाता है तो इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इस आवेश के कारण इसमें स्थिर विद्युत बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये दीवार से चिपक जाता है। प्रश्न नंबर 8, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं, बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए, विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता, तो देखो यहाँ पानी से भरी बाल्टी है और इसको मैं अपना हाथ समझ रहा हूँ, हाथ से पकड़ के इसको उठा रहा हूँ, तो बाल्टी के द्वारा हाथ के ऊपर एक बल लगता है, वो बल लगता है तनाव बल, वो तनाव बल लगता है ऊपर की ओर, तो हाथ पर बाल्टी के द्वारा तनाव बल ऊपर की ओर लगता है, और यहाँ पर क्या होता है, नीचे की तरफ पृथ्वी जो है इस बाल्टी और बाल्टी के साथ में जो बाल्टी में पानी भरा है इन दोनों को अपनी ओर आकर्षित करती है,
तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आकर्षित करती, जिसको बोलते हैं हम गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल का मान नीचे की तरफ उतना ही होता है जितना बाल्टी जो है इस हाथ के ऊपर ऊपर की तरफ तनाव बल लगाती है। तब जब दो बल बराबर और विपरीत दिशा में काम करें तो बीच में जो बल रहता है वो शून्य होता है, तो इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। अगर कभी ऊपर का बल ज़्यादा हो जाता नीचे का बल कम हो जाता तो ये बाल्टी ऊपर चली जाती। जैसे हम क्या करते हैं, पकड़ के खड़े हैं, अब यदि उसको उठाएंगे, थोड़ा ऊपर उठाएंगे, इसका मतलब गुरुत्व बल का मान कम है और तनाव बल का मान ज्यादा है, तो वो ऊपर उठ जाती है। प्रश्न नंबर 9, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपित किया मतलब भेजा गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। देखो ये रॉकेट है, ये बोला है प्रमोचन मंच, मतलब जहाँ से उसको छोड़ा जाता है उस मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताना है। तो ये जब ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर वायुमंडल है, तो वायुमंडल मतलब वायु है, तो वायु के द्वारा क्या होगा, गति की, ये गति की दिशा ऊपर की ओर है, तो गति की दिशा के विपरीत ओर मतलब नीचे की ओर एक बल काम करता है जिसको बोलते हैं गति विरोधी बल या घर्षण बल। तो वायुमंडल द्वारा घर्षण बल इसके ऊपर नीचे की ओर लगता है, तो इसके क्या करता है, इसकी गति को रोकता है या गति के मार्ग में बाधक बनता है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ ये लग रहा है पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल। कब तक लगेगा ये, जब तक कि ये वायुमंडल में रहेगा या पृथ्वी की कक्षा के अंदर रहेगा। वो पृथ्वी के कक्षा के बाहर चले जाएगा तब गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर वो इसका मान क्या रहता है, शून्य रहता है। तो हम वायुमंडल की बात करते हैं, तो वायुमंडल में घर्षण बल लगता है इसके सामने गति की दिशा के विपरीत नीचे की ओर, और पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो भी नीचे की ओर लगता है। इसीलिए इसमें बारूद भर के आग लगा के ऊपर की ओर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों बल जो है ये रॉकेट को क्या कर रहे हैं, इसकी गति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ जो बारूद भर के जलाते हैं वो क्या करता है, वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम से, वो बारूद की जो गैस नीचे की तरफ आती है और नीचे से ऊपर की तरफ प्रत्येक क्रिया के वो बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। इसके कारण रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। प्रश्न नंबर 10, जब किसी ड्रापर के चंचू या नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रापर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रापर में पानी भर जाता है। ड्रापर में पानी के चढ़ने का कारण है पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्व, रबड़ के बल्ब की आकृति या वायुमंडलीय दाब। तो सही है इसमें घ, वायुमंडलीय दाब। तो आपने देखा ये कक्षा 8वीं का विज्ञान अध्याय 11 बल तथा दाब के प्रश्नोत्तर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।